हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो एकदम अलग है और इस टॉपिक पे बहुत कम लोगों ने कमेंट किया था और बहुत कम लोग जानना चाहते हैं, जबकि ये बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, 12 महीने चलने वाले हैं और सबसे ज़्यादा मार्जिन है और जिसमें अभी भी सबसे कम कंपटीशन है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आज की जो बिज़नेस है उसमें हम बात करने वाले हैं स्टेशनरी बिज़नेस के बारे में कि स्टेशनरी का बिज़नेस अगर आप करते हैं तो कितने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको कैसी जगह पर करनी चाहिए और कितनी प्रॉफिट मार्जिन होती है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए को वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टेशनरी बिज़नेस जो होता है वो काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग इस चीज़ पे सोचते हैं आज के डेट में, जबकि मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग पहले से जानते हैं कि हमारी किराने की और जनरल स्टोर की, कॉस्मेटिक की और स्टेशनरी की होलसेल शॉप है जहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो दरअसल होता क्या है कि स्टेशनरी बिज़नेस में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब बिकता है यार तो बहुत अच्छी प्रॉफिट आती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है यार, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है और 12 महीना बिकता है, एक्सपायरी की भी टेंशन नहीं रहती है और बस केवल आपको जो पुराने स्टॉक है ज़्यादा दिन तक ना हो, क्योंकि पेपर थोड़े गंदे हो जाते हैं तो कस्टमर नहीं लेते, बस इतनी प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो ख़राब होने वाले हैं, यानी कि अगर बात करी जाए अदर बिज़नेस से तो सबसे कम ख़राब वाले प्रोडक्ट इसमें होते हैं, बस आपको अच्छे से रखना है, यानी चूहों से बचाना है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बहुत कम लोग इस चीज़ पे विचार करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ देख रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कौन सा बिज़नेस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है जब हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं किए रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है कि लोग जानना चाहते हैं यार कौन सा बिज़नेस करें, ये बहुत सबके मन में बड़ा असमंजस होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है उसमें स्टेशनरी के बारे में हम बात करने हैं, वो अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले स्टेशनरी की जो आपको दुकान खोलना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आज के डेट में बंद होने वाली चीज़ नहीं है और डे बाई डे इसका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि लोग हमेशा कॉपी किताब यानी बहुत चीज़ों का ज़रूरत रहता है, ठीक है। और वो भी एक बच्चा अपनी उम्र में लगभग, अगर बात किया जाए तो लोकल एरिए में तो लगभग ELKG से लेके लगभग हाई स्कूल इंटर तक पढ़ता है। अब आप सोच लीजिए कि आप एक कस्टमर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो लगभग 10 से 12 साल तक आपसे खरीदेगा, इसके बाद भी खरीदेगा, मतलब ये चीज़ होती है। अब ये अब आप सोचिए कि दिमाग लगाइए कि इतने दिन तक जुड़ेगा वो आपसे, तो कितना बिजनेस कर सकते हैं एक पार्टिकुलर कस्टमर से आप, ठीक है। अब समस्या ये है कि आप खोलेंगे कहाँ, तो सबसे पहले रिसर्च करिए मार्केट में, किसी भी जगह अगर आप खोलते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर आपके आसपास कॉलेज स्कूल वगैरह है तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे निकलते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी ज़रूरत होगी उनकी वो लेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप कॉलेज स्कूल थोड़ा दूर पर है, मार्केट के आसपास नहीं है, तो फिर उस वहाँ पर ना खोलिएगा, आप मार्केट में खोलिएगा। अगर आसपास 1-2 किलोमीटर के रेंज में मार्केट है और 1-2 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद कोई कॉलेज या स्कूल पढ़ता है तो आप मार्केट में रहिए, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप पाते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हर तरफ से आएंगे, ठीक है। तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे दोस्तों हम लोग जब किसी को नए शॉप खुलवाते हैं तो सारे रेंज अगर हम लोग दे देते हैं, जैसे कि कॉपी हो गई जो 10-20 रुपये में आती है, 25-30-35-45-50-60-100, मतलब बहुत रेंज, मतलब 10 से 15 इसमें आपको कॉपी मिल जाती है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप जान ही रहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, तो इस तरीके के अलग अलग होते हैं। इसके अलावा पेंसिल, रबड़, कटर, फिट, ये सारी चीज़ें जो कलर वगैरह आते हैं, चार्ट पेपर आते हैं, फाइल आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा रेंज भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप रखते हैं तो कितने में हो जाता है, तो लगभग अगर आप छोटी मोटी शॉप खोल रहे हैं तो लगभग 25 से 30 हज़ार, और अच्छी खासी अगर कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये में आप बहुत सारे सामान रख सकते हैं। अब जैसे हम लोग प्रोवाइड क्या कराते हैं इसके अलावा, जैसे कापी किताब कलम जो भी आप रखते हैं, इसके अलावा आप अपने शॉप में चॉकलेट बेच सकते हैं, बिस्किट बेच सकते हैं,
चिप्स कुरकुरे का पैकेट रख सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स आइटम रख सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आइटम आप रखते हैं तो वो एक्स्ट्रा आन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है जिसमें आपको उसमें भी अच्छी मार्जिन आपको मिलती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आपके पास बच्चे आएंगे ऐसे भाई, देखिए ज़्यादातर जो बुक्स होते हैं वो बच्चे लेंगे, तो जब बच्चे आएंगे तो वो आपको चॉकलेट भी मांगेंगे, चिप्स भी मांगेंगे, बिस्किट भी खाएंगे, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी का पूरा प्रोजेक्ट आप रखते हैं तो लगभग 1,00,000 रुपए में ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, वो भी ज़बरदस्त आप कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कितना आप कमाएंगे। देखिए यार कमाने की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें मिनिमम जो मार्जिन है, सबसे कम मार्जिन वो है 20 से 25%। अब आप सोचिए कि 20 से 25% जो सबसे कम मार्जिन होती है, ठीक है, और मैक्सिमम 50% तक की मार्जिन मिल जाती है अगर आप बल्क में और अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो। जबकि इसमें भी कई ब्रांड कंपनियां आती हैं जो कि अच्छे पेपर्स, अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल कराती हैं, तो उस कंपनी में भी आपको 15 से 20% की मार्जिन मिलती है जो ब्रांड प्रोडक्ट। अब आप सोचिए कि यार एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर कम कंपटीशन है और ये जो प्रोडक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगानी है और एक अच्छा खासा बिजनेस आप अपने मार्केट में कर सकते हैं। दरअसल आप अपने मार्केट में रिसर्च करिए कि वहाँ पे स्टेशनरी या इस तरीके की शॉप कितनी है, तो सबसे कम मात्रा में आप पाएंगे वहाँ पे। हाँ, अगर बशर्ते वहाँ पे कोई बड़ा कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं होगा तो कम पाएंगे, और जहाँ पे कॉलेज स्कूल ज़्यादा होगा वहाँ पे भी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे दरअसल देखिए कंपटीशन से नहीं करते हैं। आज की डेट में पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो लोगों को ज़रूरत भी ज़्यादा है हर चीज़ की, तो कंपटीशन से तो फिलहाल वैसे भी डरना मना है, ठीक है, एकदम मत डरिए, क्योंकि कंपटीशन उसी चीज़ में होता है जहाँ पे आपको अवसर ज़्यादा हो, ठीक है। तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है, फिलहाल ये है कि अदर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन कम है, जिसकी वजह से सिर्फ आपको मार्जिन ज़्यादा मिलती है। क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो मार्जिन आपकी कम हो जाएगी, लेकिन अगर कंपटीशन कम है यानी मार्जिन आपको भरपूर मिलेगी। तो इस तरीके के बिजनेस आइडियाज़ के लिए एक दो वीडियो और मैं डेडिकेटेड बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा के आपको। लेकिन इस वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं इस पे हम और भी जानना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस में आता है, कौन से प्रोडक्ट में कितनी मार्जिन होती है, तो सारी चीज़ों हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल के तौर पे, कि ये बुक्स हैं इतने में आती हैं, ये बुक्स हैं इतने में, सारा एक बढ़िया 2-3-4 वीडियो मैं बना दूंगा इस सीरीज में, स्टेशनरी बिजनेस के सीरीज में, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे ऑनेस्टली, या क्योंकि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट होगा, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो 4 से 10 वीडियो लगभग हम इस स्टेशनरी शॉप बिजनेस के आइडियाज़ पे हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको और डीप में समझ में आए और आप बिजनेस स्टार्ट कर दें। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो यार जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपकी सभी प्रॉब्लम के लिए मैं बैठा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए यार उस चीज़, अगर कमेंट पे अगर आपको वीडियो बनाने लायक होगी तो उस आपके कमेंट पे वीडियो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। नए हैं दोस्तों, पहली बार विजिट किया चैनल को और यहाँ तक आ गए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।